क्लैश ऑफ क्लैंस, ये कैसी गेम है जो हम सबने खेली है एंड ये मेरे हिसाब से अब तक की बेस्ट मोबाइल गेम है। हाँ, बेस्ट मोबाइल गेम। अब कुछ लोग कहेंगे पर माई मोबाइल की बेस्ट गेम तो कैंडी क्रश एंड टॉकी टॉकी। कुछ भी बोलता है बेवकूफ। मुझे आज भी याद है वो 2016-17 के दिन जब वैल्करी मेरे एंड मेरे दोस्तों की क्रश हुआ करती थी। क्या कड़क माल है यार भाई, मेरा तो कुछ और ही कड़क हो रहा है। बट नथिंग कैन बीट आर्चर। ये गेम ने मुझे बहुत सी अच्छी मेमोरीज दी है एंड इसी गेम ने मुझे मैथ में फेल भी करवाया एंड आज मैं इसी गेम को 3D में बनाने वाला हूँ। हाँ, क्लैश ऑफ क्लैंस 3D। अब देखो, मैं जब भी कोई गेम बनाता हूँ मैं सबसे पहले उसके कैरेक्टर से स्टार्ट करता हूँ एंड कैरेक्टर के लिए मैं गया स्केच फैब पे जो मुझे हमेशा अच्छे कैरेक्टर देता है। ये क्या है भाई? नहीं, ये नहीं चाहिए, तो मुझसे भी मरा हुआ लग रहा है। नहीं भाई, अब बारहवीं रैंक कम राजू ज्यादा लग रहा है मेरे को भाई, अब बहुत हो गया। स्केच फैब इधर आ तो। क्या हुआ भाई? अच्छे मॉडल्स दे। तो स्केच फैब को थोड़ा सा और ढीपने के बाद उसने मुझे फाइनली ये रॉयल चैंपियन का कैरेक्टर दे दिया जो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने फिर उसे मिक्स सामोसा एनिमेट किया एंड अनिलजी में थोड़े से नोट कैरेक्टर के बाद हमारा कैरेक्टर रेडी है। अब देखो, ये प्रोजेक्ट में कैरेक्टर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बिल्डिंग मॉडल्स का। अब देखो, मुझे इंटरनेट से कुछ बिल्डिंग मॉडल्स मिल गए हैं, स्केच फैब से, एंड मैंने उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दिया है। ये रहे उनके ओरिजिनल मॉडल्स एंड ये रहे उनके मॉडिफाई किए हुए मॉडल्स। या मुझे पूरे इंटरनेट पे बस इतने ही मॉडल्स मिले, मतलब अब मुझे बाकी सारे मॉडल्स खुद ही बनाने होंगे। तो मॉडल्स बनाने से पहले मैं बता दूं कि मैं टाउन हॉल 3 का लेवल बनाने वाला हूं एंड अभी हमारे पास टाउन हॉल, एलेक्स कलेक्टर एंड कैनन के मॉडल है, मतलब अब हम बनाने हैं ये बाकी सारे मॉडल्स। कोई मार दो मुझे। तो मैंने स्टार्ट किया आर्चर टावर से जो बिल्कुल भी हार्ड नहीं था क्योंकि मैंने पूरा मॉडल ही क्यूब से बनाया एंड ये रहा आर्चर टावर। नॉइस। एंड इसी सेम टेक्निक से मैंने बिल्डर हट, क्लैन कासल, लेबोरेटरी, कोल स्टोरेज एंड कोल कलेक्टर बनाए जो गेम में कुछ ऐसे लग रहे हैं। नॉइस। अब बारी है मेरे पर्सनल फेवरेट बिल्डिंग की जो है एलेक्स कलेक्टर एंड इसका मॉडल बहुत सिंपली बन गया कंपेयर टू बाकी सारे मॉडल्स। मुझे बस एक सर्कल एंड दो स्क्वायर चाहिए थे एंड बिल्डिंग रेडी है, बस इतना ही करना था। मैंने फिर अनरियल इंजिन में एलेक्स स्टोरेज को एक ग्लास मटेरियल दिया जो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड मैंने यही सेम चीज़ एलेक्सर कलेक्टर के साथ भी की है। दोनों बिल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेवल के ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग रेडी है, बस एक ही चीज़ बाकी है जो है वॉल्स, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड था एंड अब गुरु ब्लेंडर हमें बताएंगे कि वॉल का मॉडल कैसे बनाते हैं। हाय, तो मैं ब्लेंडर हूँ एंड आज मैं तुम सबको मॉडल बनाना सिखाने वाला हूँ। हाँ, तो सबसे पहले तो ये क्यूब को डिलीट कर दो, मत पूछना क्यूब, बस कर दो, ठीक है? सारे टूटल में वो सबसे पहले यही करते हैं। हाँ एंड अब हाँ अब एक न्यू क्यूब ऐड कर दो। हट, अब बहुत मस्ती हो गई, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मॉडल कैसे बनाते हैं। तो क्यूब ऐड करने के बाद फिर एडिट मोड में जाओ, फेस सिलेक्ट में मॉडल को ऊपर से थोड़ा सा छोटा करो, ऑब्जेक्ट मोड में आके एक बार और क्यूब ऐड करो, फिर से वही सेम चीज करो, कंट्रोल आर दबा के एक लूप कर्ड ऐड करो एंड फेस सिलेक्ट में ये एरिया पे डबल क्लिक करके इसे बड़ा कर दो, एंड में एक बुलियन मॉडिफायर ऐड कर दो, पड़ोसन वाली आंटी को जाके एक चुम्मी दे दो एंड हमारी बॉल रेडी है। क्या कहा, नहीं समझे? तो फिर से सुनो। तो क्यूब को ऐड करके मैंने फिर रॉयल चैंपियन को उसका स्पीयर अटैक एंड पंच अटैक की एबिलिटी दे दी है, तो अब तुम स्पीयर भी फेंक सकते हो एंड पंच भी कर सकते हो। मुझे फिर स्केच फैब पे ये पेका एंड गोब्लिन के मॉडल मिल गए हैं जिसे मैंने मिक्सामोन से एनिमेट करके उसे गेम में डाल दिया है, जिसे तुम सब गेम में मार भी सकते हो एंड वो सब तुम्हें भी मार सकते हैं। एंड क्योंकि रॉयल चैंपियन एक चैंपियन है तो अब हमें उसको उसकी स्पेशल एबिलिटी तो देनी पड़ेगी जो है पाउंसिंग शील्ड, सीकिंग शील्ड। एंड इसको बनाना बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, मुझे बस एक नोट कनेक्ट करना था एंड सीकिंग शील्ड रेडी है। देखो सच कहूं तो ये बनाना बहुत ज्यादा हार्ड था, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। एंड अब आते हैं गेम के डिफेंस सिस्टम की, मेरा मतलब है डिफेंस बिल्डिंग की, जिसे मैं बना चुका हूँ एंड जब भी तुम ये कैनन के पास जाओगे ये तुम पे गोले बरसाने लग जाएगा विद सम एनिमेशन जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड यही सेम चीज़ मैंने आर्चर टावर के साथ भी की है एंड क्योंकि मेरे पास आर्चर का मॉडल नहीं था तो मैंने ये सस्ता सा मॉडल बना दिया है विदाउट एनिमेशन जो एकदम ही अच्छे से काम कर रहे हैं। अब आते हैं मोर्टार पे, जिसे बनाना बिल्कुल भी हार्ड नहीं था क्योंकि मैंने उसे बनाया ही नहीं, मैंने मॉडल बनाया है बट मैंने उसका अटैक सिस्टम नहीं बनाया क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसे बनाते कैसे एंड इसलिए मैंने मोर्टार को अपग्रेड पे रख दिया। कितना बड़ा दिमाग है नहीं मेरा। एंड अब आ रही है लेवल बनाने की एंड ये लेवल होगा एक टाउन 3 का लेवल जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। तो स्टार्ट करेंगे एक लैंडस्केप बना के एंड फिर हम थोड़ी सी ग्रास ऐड करेंगे एंड देन बहुत सारी ट्रीज, थोड़े से माउंटेन भी ऐड कर देते हैं एंड फिर मैंने वो सारे मॉडल्स को लेवल में रखना शुरू कर दिया एंड एंड में अपना लेवल कुछ ऐसा लग रहा है।
नाइस। एंड मैंने फिर लेवल में डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स भी रख दिए हैं जैसा ओरिजिनल गेम में थे, जैसे कि लॉक ट्रीज एंड जेम बॉक्स। एंड एक और बात, मैंने लेवल में एक पिंक जेम बॉक्स भी छुपा के रखा है जिसे तुम्हें ढूंढना है अगर ये गेम तुम्हारे कंप्यूटर में चल गई तो। एंड अगर हिंट चाहिए तो वो जेम बॉक्स ये ट्री के आसपास है। और हाँ, मैंने इसमें इनविजिबल क्यूब भी ऐड करे जाके तुम सब लेवल के बाहर ना भटको। बट मैंने ट्री के पास एक छोटी सी जगह ओपन रखी है जिससे तुम वो पिंक चेस्ट ढूंढ सकते हो। गेम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड फिर एक सस्ता सा ओशियन एंड रॉक्स ऐड करने के बाद हमारी क्लैश ऑफ क्लैंस 3D रेडी है। मैंने लास्ट में एक सिंपल सा UI, साउंड इफेक्ट एंड टाइमर भी डाल दिया है। एंड या दैट्स इट, गेम रेडी है खेलने के लिए। हालांकि मैं सिर्फ गेम नहीं कहूंगा, पर अगर फिर तुम्हें एक्सपीरियंस करना है कि क्लैश ऑफ क्लैंस 3D में कैसी लगती तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यार ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड यार आइडिया दो यार कि मुझे नेक्स्ट गेम किस पे बनानी चाहिए। गुड बाय।